तो हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे मैंगो शेक बनाए इजी वे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले दो आम ले लें आप। ठीक है, दो आम लेने के बाद आप चीनी ले लें, बादाम ले लें, फिर किशमिश ले लें, फिर एक और बादाम है, फिर दूध, फिर एक खाली ग्लास जिसमें हम शेक रखेंगे और यह चम्मच है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से आम उठाते हैं और कटिंग करके इसमें डालते हैं। धीरे धीरे आप करें, हम तो थोड़ा तेज कर रहे हैं। दो आम ले सकते हैं आप, तीन चार भी आम ले सकते हैं। हाँ, तो ये आम एक हो गया, हम ज़्यादा नहीं अब करेंगे। गैस ठीक हो रहा है, ओ ऐसे ही कर देते हैं। चलिए अभी चला गया एक आम, चला गया एक आम और। यह देखिए आराम से आप काटें। आप पहले इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रीज कर देंगे तो और मज़ा आ जाएगा। फ्रीज हो जाएगा तो आराम से हम नाइफ से कटेगा। तो हेलो गाइस, हम देखने हम लोग अब आम कट चुका है, तो अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग अब डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले चीनी डालते हैं, चीनी डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं। चीनी मेरा डल चुका है, आप देख लीजिए कितना शेप नया मस्त है लुक। हाँ, तो अब इसके बाद किशमिश डाल देते हैं। आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं, चाहे खड़ा भी डाल सकते हैं। हो गया, अब बादाम की बारी है। ये छोटे वाले बादाम हैं, ये ज़्यादा डालने से खराब भी हो सकते हैं। और ये सब बादाम ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, गर्मी करता है थोड़ा। उस फिर ऊपर से हम गिलास के ऊपर से हम डाल देंगे तो लुक साइन अच्छा देगा। तो हम लोग देखते हैं आगे, अब दूध डालते हैं, फिर ठंडा पानी डाल देंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये सारा दूध छाली भरा हुआ। इसमें मैं पानी ऐड करूँगा। ये पानी ऐड हो रहा है और थोड़ा पानी डाल। हाँ, तो और पानी डाला गया बस। हाँ, तो सब चीज डाला गया है। तो फाइनली अब हम लोग इसको, अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल चुके हैं, अब इसमें हम अब इसको मिक्स करते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बादाम ऊपर आ चुके हैं, अब हम इसको मिक्स करके हम लाते हैं। ठीक है, अब हम लाते हैं और ग्लास में डालेंगे तो आपको दिखाएंगे लुक कैसा है। हाँ, तो अब हम मिक्स करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो देखिए आप एक पे ही कीजिए, ज़्यादा पे नहीं कीजिए, तीन पे। यहाँ पे हम एक पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग का बन चुका है मैंगो शेक रेडी हो गया, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो लेट्स बी स्टार्टेड विद द सर्विंग। तो स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए इस वीडियो में दी अब कितना अच्छा कलर इसका उभर के आया है।
तो देखिए थोड़ा सा मैं आम काटा और देखिए इतना सारा बन गया है। तो देखिए पूरा गाढ़ा ही बना हुआ, फिर ये हम ग्लास में अभी सर्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लास देख लें, ये ग्लास हम इस ग्लास में अब डालने वाले हैं। बहुत मोटा बन चुका है। हाँ तो देखिए कितना मस्त कलर आ गया। अब इसमें हम थोड़ा ऊपर से गार्निशिंग कर रहे हैं। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। स्वाद अनुसार आप ही बना दें और डाल दें। चलिए हो गया। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कुछ ही प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए।